यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो गया है। पहले नंबर पर रजनीश शुक्ला और आकाश मौर्या के बाद राजधानी लखनऊ में पहले नंबर पर आई हैं कीर्ति सिंह, जो कि प्रदेश में पांचवां स्थान रखती हैं और लखनऊ में पहला स्थान आया है। कीर्ति जी, पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई, और किस तरह किसको इस बात का श्रेय देना चाहेंगी? आपने पांचवां स्थान प्राप्त किया है प्रदेश में और लखनऊ राजधानी में आपने पहला स्थान प्राप्त। मैं भगवान को पूरा श्रेय देना चाहूँगी और साथ ही साथ मेरे टीचर्स जिन्होंने पूरी मेहनत करी मेरे साथ, और माता पिता जिनका पूरा मेरे मुझे सहायता करी हर वक्त, उनको पूरा श्रेय जाएगा मेरी सफलता का। कैसे पढ़ाई करती थी आप, किस तरह से अध्ययन किया, कितने घंटे पढ़ाई किया? स्कूल आवर्स के बाद मैंने अराउंड 7 to 8 hours पढ़ाई करी और सेल्फ स्टडी पे काफ़ी फोकस करा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, एंड उसी का नतीजा है कि मेरे अच्छे मार्क्स आए। और इसके बाद इंटर के बाद अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन से इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं कर सकूँ आगे अच्छे कॉलेज से। और आगे आने वाले बच्चों को, स्टूडेंट्स को किस तरह की प्रेरणा देना चाहेंगी, खासकर लड़कियों को? अब देखा जा रहा है कि लड़कियां अव्वल स्थान प्राप्त कर रही हैं, सबसे ज़्यादा जो है लड़कियां ही टॉप कर रही हैं, तो इसको लेकर के क्या लगता है, किस तरह की प्रेरणा देना चाहेंगी, कैसे पढ़ाई करें? उनको बस यही बोलना चाहेंगे कि सेल्फ स्टडी करें और छोटी मोटी असफलताओं से डिमोटिवेट ना होकर के हमेशा काम करते रहें। अच्छा, और कीर्ति की मदर हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं, कैसे उन्होंने परवरिश की अपनी बच्ची की, पांचवां स्थान प्राप्त किया है पूरे प्रदेश में और राजधानी में पहला स्थान प्राप्त किया है, किस तरह का आप जो है माहौल देती थी बच्ची को कि उसने जो है इस तरह की रैंकिंग प्राप्त की है और आगे उसको क्या बनाना चाहती है? हाँ, इसके लिए काफ़ी मैंने इसको प्रोत्साहित किया पढ़ाई के लिए, और क्योंकि 10th में भी इसकी रैंक अच्छी थी तो पहले से ही काफ़ी जो है स्ट्रगल कर रही थी कि मेरी रैंक जो है अच्छी आए, तो इसीलिए इससे काफ़ी मेहनत किया है और मैंने भी इसको काफ़ी सपोर्ट किया पढ़ाई में और पढ़ाई का माहौल दिया घर पे, क्योंकि हम लोग दोनों टीचर हैं तो इस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा ही फोकस कर रहे थे पढ़ाई पे बच्चों की। अच्छा, कीर्ति के फादर हैं हमारे साथ, हम उनसे भी पूछते हैं किस तरह का माहौल दिया बिटिया को आपने कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में इतना बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस दिया है उसने, और आगे क्या बनाना चाहते हैं आप? अब माहौल तो शिक्षक के घर का माहौल तो पढ़ाई का होता ही है, मैं भी शिक्षक हूँ और मेरी वाइफ भी शिक्षक हैं, इसलिए पढ़ाई का माहौल तो उसको पूरा मिला। अब आगे उसको इंजीनियरिंग करने की उसकी ख्वाहिश है, तो इंजीनियरिंग के लिए मैंने पूरी छूट दी कि भाई आप अपना तैयारी करिए और जिस क्षेत्र में जाना है उसमें आप कदम आगे बढ़ाइए, मैं आपके साथ हूँ। कैमरा पर्सन लतीफ के साथ राजेश सोनी, लाइव टुडे, लखनऊ।